आज मैं बनाने वाली हूँ घर में ही पड़े सामान से एकदम टेस्टी एकदम अलग रेसिपी, जो कि आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। घर में ही पड़े सामान से ये बन के तैयार हो जाएगा। जब भी आपको मीठा खाने का मन हो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। ये मार्केट में 1000 रुपये किलो का मिलने वाला ये स्वीट डिश है। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने गैस पे 1/2 लीटर पानी रख दिया है पतीले में, उसमें हम चीनी डाल देंगे। इसको गाढ़ा चाशनी बना करके ले लेने का है। इसमें हम 1.5 कप चीनी डालेंगे। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं डालूँगी बेसन। यहाँ मैं 1.5 कप बेसन डाल दूँगी। अब इसे हम अच्छे से भून करके ले लेंगे। खुशबू आने तक, भरभरा होने तक इसको भूनना है। अभी भरभरा हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच सूजी। इसी के साथ सूजी को भी मैं भून करके ले लूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनना है ताकि कच्चापन इसमें बिल्कुल नहीं रहे। इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे 1 से 2 चम्मच। इसको हम डाल करके भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। यहाँ सूजी और बेसन अच्छे से एकदम हो चुका है, एकदम ये खिला खिला एकदम भरभरा हो गया है, एकदम कलर चेंज हो चुका है। अभी हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। अभी हम चाशनी भी यहाँ हो चुका है, चेक कर लेते हैं। ये चिपचिपा थोड़ा हो जाए एक उतना ही इसको पकाना है। अभी ये हो चुका है, इसको हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम इसमें चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से इसको हम पकाएंगे। इसे इस तरह से हम चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। हम इसमें डाल देंगे इलायची का दाना। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी ये हो चुका है, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसको मैं ठंडा होने दूंगी। अब इससे ज़्यादा इसको मैं अगर पकाऊंगी तो ये पूरा सूख जाएगा। अब ये जितना ठंडा होते जाएगा उतना एकदम सूखा होता जाएगा। अब हम इसे बटर पेपर पे निकाल देंगे। इसके ऊपर से थोड़ा हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आपके पास जो भी रहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं बादाम डाल रही हूँ। थोड़ा गर्म रहे तभी डालना है, ठंडा होने पे क्या है चिपकेगा नहीं। ये थोड़ा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ठंडा होने के बाद हम इसको कट करेंगे। अब यहाँ ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम कट करेंगे। इस शेप में आप अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा कट कर सकते हैं। हमारा इस तरह से बर्फी बन करके सारा तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं एकदम दानेदार तैयार हुआ है। इसको एक बर्तन में निकालेंगे। यहाँ हमारा बेसन का बर्फी बनके तैयार हो गया है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।